वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारियों, जिन्हां जिन्हां नूं धन गुरु नानक साहिब जी, साहिब दशमेश पिता, गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी, कलगियां वाले, बाजां वाले, सतगुरां नाल इस वेले प्रेजेंट टाइम ते जुगो जुग अटल धन 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 साहिब। सतगुरु जी, गुरु ग्रंथ साहिब दा तार पातशाह महाराज जी नाल प्यार है, गुरबाणी नाल प्यार है, आपो अपना सारिआं दे कोल तन है, काया शरीर बॉडी है, देह है, सारिआं दा आपो अपना तन है वाहिगुरु जी वल्लों दित्ता होया, ते अपना अपना मन है। मालिक ने ये शरीर बख्शिश करके सारिआं नूं आपो अपना मन दे दिता है, खुला छड़ दिता है। ये दुनिया कर्म भूमि है, जिदां दे काम करेगा ये तेरी बॉडी खेत है, देह है, जड़ी ये शरीर जड़ा है खेत है। इस खेत विच जो जो बीजेगा ओदा फल तेरे अगे आ जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है, दही जमदे हैं, रात लग जाती है, 24 घंटे लग जाते हैं, 12 भी लगते हैं, कई बारी फिर संभाल के रखना पैंदा है, टाइम ज़्यादा लग जाता है, फिर कितने जाके दुध दही बनता है। ये देह जड़ी मिली है, नाम जपना क्यों जरूरी है? इस करके जरूरी है कि मन काबू नहीं होता, वस विच नहीं होता, ये वस विच तां आउंदा है, मन वस आवे नानका, जे पूर्ण कृपा होए, अकाल पुरख की कृपा होवे, इस करके नाम जपीदा है अकाल पुरख वाहिगुरु जी दा, ये मन वस विच आ जावे। बड़ा मन ने खिलारा पा लिया है दुनिया दे विच, हाले के अद्धा पंध है, जिथे डेरा ला के बैठा है, ये डेरा इहदा अपना नहीं, ये तां मेला है, ये दुनिया मेला, दस्तगीरी ना है, इत्थे किसी का भी कुछ अपना नहीं, हर कोई मेला देख के चला जाता है, तमाशा वेख के चला जाता है। कलगियां वाले सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी दे फुरमान हन, देखन आयो जगत तमाशा। असी तो तमाशा देखण वास्ते आए हाँ, दुनिया वाहिगुरु जी नूं भुल के, अकाल पुरख जी नूं भुल के की पई करदी है? दुनिया दियां अखां नहीं रज रही तक 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 रूप रंग, आ दुनिया दा तमाशा जड़ा लगा होया है, अखी वेख ना रजियां, बहु रंग तमाशे, ये जड़े तमाशे लगे हुए हैं, इस तमाशे विच आपो अपनियां खेडां सारे खेड रहे हैं, कोई चंगियां खेड रहा है, कोई मंदियां खेड रहा है, भैड़ियां बुरियां खेड रहा है, कई गुरु घर वाले लगे हुए हैं,
कई गुरु घर तों दूर हन, कई अखां जड़ियां हन। जद तक अपने गुरु दे आके गुरद्वारा साहब दर्शन ना कर लैन, नेत्र बंद करके सिमरन ना कर लैन, वाहिगुरु जी नाल ना जुड़ जान, कलगियां वाले बाजां वाले सतगुरां दे नाल ना जुड़ जान, क्योंकि पंछी है मन उड के भी आनंदपुर साहब चला जाता है, धन गुरु रामदास महाराज जी के दरबार में रोज़ जा सकता है उड के। कबीर, मन पंखी पयो उड उड दह दिस जाए। जद ये सारे पासे उड सकता है तो गुरु घर क्यों नहीं जा सकता उड के। नाम जपण दे नाल नाल इना अखां नू काबू करना, मन नू काबू करना बड़ा जरूरी है, तां जाके ए ह्यूमन बॉडी जड़ी है, आ काया जड़ी है, आ देह जड़ी है, क्योंकि इस देह तो कई काम ले जाते हैं। अखां नाल चंगा भी देखिया जाता है, रजदियां भी नहीं अखी वेखना रजियां बहु रंग तमाशे, ये अखां दे नाल ही इन्हां अखां दे नाल ही अपने गुरु दे साध संगत दे दर्शन किए जाते हैं। इन्हां अखां दे नाल ही अपनियां दुकानां ते कम्मां कारां ते अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने दो दीवे जगाए हुए हैं, दोए दीवे 14 हट नाले, इन्हां नाल ही सारे संसार विच बंदा सारा कुछ तक रहा है। ये उन्हां नूं पता है जिन्हां दीआं अखां चलियां जांदियां हन, ब्लाइंड हो जाते हैं, जिन्हों दिसदा कुछ नहीं। अज पाठ कर सकते हाँ, कल ये अखा ही ना रही तो किन्ने पढ़ना है, किड़िया अखा ने पढ़ना है। धन हैं धन गुरु रामदास महाराज जी के दरबार के विच कीर्तन करन वाले, कीर्तन दे रसीए भावें नेत्र नहीं तां वी अंदरों ज्ञान है किन्ना गुरबाणी दा, लग मात्र औंकड़ अदक टिप्पी कन्ना सारा कुछ उन्हां नूं अंदरों नज़र आउंदा है। इन्हां भेज के कीर्तन करदे हन आल वर्ल्ड दे विच, जिथे जिथे भी टैलीविजन दे विच हरिमंदर साहब जी तों हो रहा कीर्तन संगत सरवण करदी है, उत्थे ही मन टिक जांदा है। धन गुरु रामदास महाराज जी दे चरणां विच सन 2020 है, कल सोमवार दे दिन इन्नियां रौनकां सन हरिमंदर साहब जी दे विच, तिल सुटण नूं थां नहीं सी। धन गुरु रामदास महाराज जी, धन गुरु रामदास महाराज जी दी उस्तत वडियाई हो रही सी, क्योंकि महाराज जी दा आगमन पुरब सी, आल वर्ल्ड दे विच मनाया गया है। नाम जपना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये अखां अखीं वेख ना रजियां, बुढ़ा बंदा हो जाता है, बचपन निकल जाता है, जवानी जोबन भी निकल जाता है, बुढ़ेपा भी निकल जाता है, पर ये अखां रजदियां नहीं। आ जिहड़ा तमाशा लगा होया है दुनिया ते, जिहड़ी खेड खेडी जा रही है, हर कोई आपो अपनियां खेडां खेड रहा है, कोई चंगियां कोई माड़ियां। नाम जपांगे तां मन काबू आवेगा, कृपा होवेगी अकाल पुरख वाहिगुरु जी दी। मन वस आवे नानका, जे पूरन कृपा होए। क्योंकि कोई भी चीज़ पूरन नहीं, कंप्लीट नहीं बिना अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे नाम तो, उन्हां तो बिना सब अधूरा ही अधूरा है। प्यारे, नाम जपया करो सतनाम श्री वाहिगुरु, धन गुरु रामदास महाराज जी दे हुक्म मन्या करो, जप मन
सतनाम सदा सतनाम। मूल मंत्र विच पहला सतगुरां ने सतनाम ही फरमाया है, एक ओंकार सतनाम। उस्तत है अकाल पुरख वाहिगुरु जी दी, करता पुरख निरभउ निरवैर, अकाल मूरत अजूनी साहिबं गुर प्रसाद। अगों जपण ले हुकम हन, जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ये अखां तां काबू आ सकदियां हन जे नाम जपांगे, उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी की कृपा होवेगी। नाम जपण दे कई ढंग हन, गुरबाणी पढ़ो वो भी नाम जपना है, पर पढ़ो दिलों। गुरबाणी नाम हर बनिया, ये वाहिगुरु का नाम है। जिवें जिवें गुरबाणी पढ़ी दी है, बड़े नाम आ जाते हैं। पवित्र पावन गुरबाणी दे विच अकाल पुरख जी दे ओ सारे नाम ही जो पाठ पढ़ता है, जो गुरबाणी नूं पढ़ता है, वो दे मूँह तो सारे नाम निकल जाते हैं। एक गुरबाणी है इस वेले जो इन अखां नूं अपने गुरु दे चरणां नाल जोड़ सकती है, ते गुरु जोड़ दिंदे हन एक ओंकार जी दे नाल, सतनाम वाहिगुरु जी दे नाल। ते बिना नाम तो ये जिंदगी है भी किसी काम नहीं, क्योंकि नाम तो बिना उल्टे राह पै जाता है, भैड़े कम्मां विच पै जाता है, माड़े कम्मां विच पै जाता है, बुरियां राहां ते ये मन तुरन लग पैंदा है, क्योंकि अपना राह सच वाला राह सच्चे वाहिगुरु जी वाला राह छड पैंदा है, गुरबाणी भुल जाता है, गुरु घर भुल जाता है, साध संगत भुल जाता है, सीधा चलना भुल जाता है, जिस करके ठेडे खाता है, सट्टा खाता है, चंचल बन बहिंदा है, मन चंचल बहुत चोटा खावे। जिवें न्याणियां नूं सट्टा पैंदियां हन, उम्र भावें 50, 60, 70, 80 साल है, पर मन सट्टा खा रहा है, दुखी है बड़ा। एक अद्धा भी नहीं, नानक दुखिया सब संसार। बिना नाम तो, बिना सतनाम श्री वाहिगुरु जी आखण तो, एवें जिंदगी गल जाती है जिवें पानी विच लून गल जाता है। हुण तो पीसे पूसे मिलते ने, पहले नहीं सी पीसे हुए लून मिलते, डलियां मिलदियां सी मोटियां पहले जमाने विच, जमाना तो यही हो सी, कोई 70-80 साल पहले लून लैन जाओ शॉप तो दुकान तो पंसारी कोलों, तो बिना पीसिया लून मिलता सी डलियां वाला, उन्हों पानी विच रख दियो गल जांदा सी। ये देह भी गल जांदी है जे नाम नहीं जपदी, भैड़े काम करती है, बुरे काम करती है, माड़े काम करती है, माड़ा सोचती है, इन अखां नाल माड़ा तकदी है, बुरा तकदी है, अपने गुरु वाल नहीं तकदी। ये जड़ी आईसाइट है, ये जड़ी नज़र है, ये अखां दी जोत जड़ी है, जड़ी वाहिगुरु जी ने जगाई है दुनिया नूं देखण वास्ते। ये जड़े दो दीवे जगाए हन, मन रजदा ही नहीं इन्हां दीवियां नाल, दुनिया देख देख के तमाशा दुनिया दा तक तक के। दोए दीवे 14 हट नाले, होर भी जड़े होल हन। अखी वेख न रजियां, बहु रंग तमासे। प्यारे वो नाम जपिए, नाम तो बिना
पहलिया जमानिया चा समेत जग करते सी, घोड़िया की बली देंदे सी। गुरबाणी विच बड़ा कुछ आ जाता है, पर असी केड़ी घोड़िया की बली देनी है, असी तो नाम जपना है, कड़ा प्रसाद नू भोग लवाना है। असमेत जग की जे है उजे जग हुंदे सन पहले, सोना गर्भदान दीजे सोना दान करना, होर बड़ा कुछ दान कीता जांदा सी। गुरबाणी हुक्म करदी है सारयां दे नालों सतनाम श्री वाहिगुरु जपो, उहदे बराबर कुछ होर नहीं है। असमेत जग की जय सोना गर्भदान दीजे राम नाम सर तौ न पूजे। 973 अंग है, 973। धन 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 गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र गुरबाणी दा। वाहिगुरु दे नाम तो बिना, सतनाम तो बिना होर कुछ भी इन्ना वड्डा नहीं है जिन्ना, इन्ना ही कह दियो सतनाम श्री वाहिगुरु। नेक काम करने हन, बदियां तो दूर होना है, बद दुआवां तो दूर होना है। कोई ऐसा कर्म नहीं करना लेंदा बद दुआए तो, माया कर है एकत। पैसे कट्ठे करने लिए बद दुआवां बंदिया ना लिया कर, गुरबाणी पढ़िया करो, बड़ा ज्ञान मिलेगा। अज इन्ने वैरी लगे हुए हैं, अखां राही बुरा देखते हैं, हत्थां नाल लहू लुहान हो जाते हैं, दयाहीन होके जुल्म करके, ये सारे असुर हैं। ये सारी सेना जड़ी है असुरां दी सेना है। आ जिन्ने भी विकार हैं, क्योंकि बंदे नूं विकारां ने घेरिया होया है, अखां बुरां तकदियां हन, माड़ा तकदियां हन, भैड़ा तकदियां हन, कन्न सारा दिन कई बारी बुरा सुनदे हन, हथ लहू नाल लंगे रंगे रहिंदे हन, कित्थों भला होवेगा, कित्थों सौखा होवेगा। दयाहीन हो जांदे हन मानस, किवें पूजा कर सकेगा उन्हां हत्थां दे नाल, उन्हां अखां दे नाल, उन्हां कन्नां नाल, किवें गुरबाणी सुन सकेगा। क्योंकि फौज पैदा कीती हुई है असुरां दी। धन गुरु नानक साहिब कलगीधर साहिब दसमेश पिता महाराज जी, आ जिन्ने विकारां दी सेना है असुर सेना है, असुर दैंतां नूं कहा जांदा है, ये बंदे नूं भी दैंत चंबड़े हुए हैं। ते दैंत की खांदे हैं, की करदे हैं, किवें जुल्म कमाउंदे हैं, ये सारी असुरी सेना है, दैंतां दी सेना है। 59 अंग है, धन धन साहिब सतगुरु जी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का सतगुरु जी फरमाते हैं, सतगुरु जी की शरण पै जाओ, ये जिन्ने विकार हैं, जिन्ने दैंत हैं, जिन्ने असुर हैं, आ जड़ा असुरी स्वभाव है, भैड़ा स्वभाव है, विकारां वाला स्वभाव है, इहदा संगार कर देणगे सतगुरु सच्चे पातशाह धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी। सुखदाता दुख मिटनो सुखां दे दाते हन सतगुरु जी, धन गुरु नानक साहब, बाजां वाले कलगियां वाले सतगुरु जी साहिब दसमेश पिता जी, जुगो जुगे अटल धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी, सुखां दे दाते हन, दुखां नूं मिटन वाले हन। जिवें सलेट तो कपड़ा गिला मारो, ब्लैकबोर्ड तो सारा कुछ साफ हो जाता है, गुरबाणी पढ़ो, इन अखां नाल
ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ ਬਹੁ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਆ ਬੋਡੀ ਰੂਪੀ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਸਲੇਟ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਕਾਇਆ ਕਾਗਜ਼ ਮਨ ਪਰਵਾਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਲਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੁਰ ਹਨ, ਸੁਭਾਵ ਹਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਬੁਰਾ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਨ ਮੈਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਹੱਥ ਲਹੂ ਲੁਹਾਣ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦਇਆਹੀਣ ਹੋ ਕੇ ਪੈਰ ਬੁਰੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ, ਤਾਂਹੀਓ ਤਾਂ ਹੱਥ ਧੋਈਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਲੈ ਜਾਣ, ਤਾਂਹੀਓ ਤਾਂ ਪੈਰ ਧੋਈਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਰ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾਹ ਦਿਓ। ਮੂੰਹ ਧੋਈਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੀਭਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਚੁੱਭਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਸਨ 2020 ਸੋਮਵਾਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ 'ਤੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਚੁੱਭਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸੁਰੀ ਸੈਨਾ, ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੈਨਾ, ਸੁੱਖਦਾਤਾ ਦੁੱਖ ਮੇਟਣੋ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੁਰਾਂ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਨ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹੀ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹੀ ਉਹ ਕੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਉਹ ਜੀਭਾ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹੀ ਉਹ ਹੱਥ ਲਹੂ ਲੁਹਾਣ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਜੂਠੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਚਮਚੇ ਧੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੋਚੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਉਹ ਪੈਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਭਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਆਖਦੇ ਹਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਨ 2020 ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ, ਇੰਨਾ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਦਿਲ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੋਤਾਂ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੋਂ 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 ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ, ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਕਾਰੇ ਸਨਾਨਾ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀਨੇ ਤਾਨਾ, ਸਭ ਕੁਸਲ ਖੇਮ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੇ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸਭ ਥੋਕ ਉਬਾਰੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਲਾਥੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਇਓ ਸਾਥੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲਈਦਾ ਹੈ। 59 ਅੰਗ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਸੁਖਦਾਤਾ ਦੁੱਖ ਮੇਟਣੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ,
अंग है धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन गुरबाणी का 33:30। धन गुरु अमरदास महाराज जी फरमाते हैं, असुर संघार है, गुरु के दर्शन गुरु की सेवा, अजने भी विकार असुर हैं इन्हों का संघार हो जाता है, खात्मा हो जाता है, ये मुक जाते हैं। पहला ये मन में वसते सी, मगरों जदों सतगुरु का मिलाप हो जाए फिर सुख आके मन में वस जाते हैं। असुर संघार है, सुख वस है। क्योंकि जिन्ना चिर मन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज साहिब दसमेश पिता जी कलगियां वाले बाजां वालड़े दा तार पातशाह जी फरमाते हैं बचित्र नाटक दे विच, कोई भी बंदा है बंदी है, कुकिरत कर्म जी जग में कर ही, कुकिरत माड़े काम भैड़े काम बुरे काम, अखां नाल कन्नां नाल जीभ नाल हथां नाल पैरां नाल, कुकिरत कर्म जे जग में करही। धन धन कलगियां वालड़े बाजां वालड़े सतगुरु जी तुसी धन हो। कुकिरत कर्म कर्म काम जिहड़े ने माड़े भैड़े बुरे ते हुंदे अखां नाल ने, कन्ना नाल बुरा सुनिया जांदा है, जीभां नाल बुरा बोलिया जांदा है, हाथ लौ लुहाण हो जांदे हन जुल्म कर करके, दया मन विचों दूर करके, दयाहीन होके हाथ रंग लैंदा है लौ दे नाल। पैर बुरे रावां ते जा जाके मैले कर लैंदा है, मन भी सारा मैला हो जांदा है। क्योंकि कम जे मैले करदा है, मैले कर्म करे दुख पाए, दुख अगे दे आ जांदे हन, फिर रोंदा है मैं केड़ा बुरा काम कीता है, ये दुख मेरे अगे क्यों आ गए हन। मन मैले सब किछ मैला, इफ यूर माइंड इज फिल्थी एवरीथिंग इज फिल्थी, अखां कान जीब हाथ पैर सारा कुछ फिल्थी हो जाता है, मैला हो जाता है। गुरबाणी बचाउंदी है, गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी के बचन याद रखना, बचित्र नाटक दे विचों कुकिरत कर्म जे जग में करही, नाम असुर तिन को जग तरही। जग दे लोक कह दिंदे ने ये ते पापी है, ये ते भैड़े काम करदा है, ये ते माड़ा सुनदा है, इहदियां अखां तां हर वेले बुरा तक दियां हन, इहदी जीभा ने कदी नहीं आखिया सतनाम श्री वाहिगुरु, इहदी जीभा ते क्रोध नाल अग वरसाउंदी है, अग वरौंदी है, ये जदों बोलदा है इहदे मूंह विचों अग निकलदी है, दुनिया कहिंदी है। दसमेश पिता साहिब सतगुरु जी कलगियां वाले बाजां वाले सतगुरु जी फरमाते हैं कुकिरत कर्म जे जग मैं करही, नाम असुर तिन को जग तरही। जगत वाले ओ जिया नाम पा देंदे हैं, समा हो गया है, नाम जपिया करो, सिमरन करिया करो। मां दी कुख विच भी नाम जपदे सी, सिर तले पैर उपरे वसंदो को हथड़े थाए, उत्थे भी जदों मां दे अंदर साह चलदे सन उदों भी जप रहे सी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। लिव लगी हुई सी, जदों जन्म होया लिव छुड़की, लगी तृष्णा माया अमर वरताया, माया ने अपना हुक्म चला दिता। सतगुरु जी फरमाते हैं नाम जपो, बोल के भी जपो, अंदरों भी जपो। उत्तों उत्तों ता हर कोई कहिंदा है वाहिगुरु वाहिगुरु, हर हर मुखों हो हर हर सब को कह, करै विरलै हिरदै वसाया, सारे मुंह तो मुखों हर हर सब को करै। कोई विरला है जिहड़ा अंदर महाराज का नाम वसाउंदा है ते इन्हां विकारां नूं
ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਤਿਨ ਪਾਇਆ 565 ਅੰਗ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪਦਾ ਰਵੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ, ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਨਾ ਰਜੀਆਂ ਬਹੁ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਮਨ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਵਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਤੇ ਵਸਾਈਏ। ਦਾਸ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ, ਲੀਡਸ, UK ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਾਸ ਪਾਸੋਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋ, ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋੜ ਲਵੋ, ਜੋੜ ਲਵੋ, ਜੋੜ ਲਵੋ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਵੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਿਰਾਗ ਸਟੂਡੀਓ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ, ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।